भारत माता की जय। स्वर्गीय मदन सिंह जी चौहान जामली, आज अपन जो कबड्डी खेलने वाले हैं उनके उपलक्ष में रखी गई है उनकी। हम लगान न मन रिया जे हम नहीं जम रिया पल तक कबड्डी खिलाड़ी आवश्यक दो एक का जो बुलाई रिया हम पहल आखा भाईसियों का जो जय जोहार जय आदिवासी भाईसियों सोते मैं तो कहा लाइयो इंदौर थी कहा कि मारी MST चल रही एग्जाम चल रही ने अपना गाँव में शिव क्लब समिति गई काफ़ी टाइम ते अपने यहाँ काको हतलू अभी तो मतलब काको नहीं हाई काको हतलू ती ही कबड्डी प्रतियोगिता चलती आई रही पर जब से काकू हमरे यहाँ साथ में नहीं आई तीन हम इना खेल काजे जरा स्थगित कर देदला रोकी देदला पर हाई सोचा कि यार क्यों ना इना प्रतियोगिता काजे एक हमारा काकान स्मृति में जीवित रखा जाए है कि नहीं। तो हालांकि प्रतियोगिता तो दिवाली पर यहाँ करता ली पर हम प्लानिंग करता करता जरा टाइम हो गयो। अब हर साल हमारी सोच ये छ कि यार हम छोटी दिवाली पर रख सुन जी मेन दिवाली रहो कि तीन दाड़े तो सब लोग अपना अपना हिसाब से इन्जॉयमेंट में रहने सब लोग अपना अपना हिसाब से टाइम नहीं रहो सब दाड़े तो सोचा कि यार अभी छोटी दिवाली पर रख सुन पर इन्हीं बार आज छ 20 नवंबर का है नहीं आज 20 नवंबर छ ने टाइम छ 10 बजे थी बाकी फिर भी अभी 8 बज रही तो हम सोच रहे कि एक आध घंटा में ये लगाड़ दे सुन ने ठीक है जब भी व्यवस्था हो लाइट की व्यवस्था भी है रात भी हो तो कोई टेंशन है ही नहीं ने ये मीटिंग लाकर जो कह रहा है कतरा 13 मीटर ने एक मिनट 10 मीटर हाँ 13-10 का नहीं लगाओ फाइनली भाई सियो हम ग्राउंड बनाई देता मतलब जो भी सेटअप बनाना होता एने बाकी ये जो भी नेट को चाहे कि फार्म है काई को है जो रही गया बाकी तो 20 रही गया ने ग्राउंड फाइनली कंप्लीट बनाई देता हम अभी जो भी टीम आओ तेना हिसाब से हो से बातचीत ने जे कुर्चिया वुर्चिया भी लाई रहा पर इनाम विनाम जो भी छे जो सब अपना तरफ ती है कि नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इनाम अपना तरफ ती है बताड़ी सके नी बना जो मजो आओ साथ था फिर हाँ हम उंगली आओ कहा कि उंगली नहीं रिया पहले अपनों भी खेलते ला बाखन हाँ जरा खेलन मतलब भूली गया कसा खेले पहले थोड़ा घना खेलते ला ज्यादा नहीं खेलते ला क्या रे सोया सोया रे बीच में पकड़ तो हीरा भैया टाइट करना पीछे से कने घुमाते ला देना यार हां पछलते तो घुमा ही देबे नी मदन सिंह जी चौहान के उपलक्ष्य में मेरा आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे सज्जनशील व्यक्तित्व हैं कबड्डी के बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अनुभवी और जहाँ आज तक मेरे हॉकी के आज तक का बहुत हॉकी के एक मारियल टीम उतरने बन रही तसी था ये जिंदाबाद जामलिन टीम शिव क्लब पर जरा ढीला संभालना पड़ रहा हमारे खिलाड़ी एक धनशी बाको ये खिलाड़ी हतलू बाखन ये जरा खा अभी सो मैच पहल कर जो कह रहा कहा कि मतलब जरा उत्साह वर्जन है जैसे नहीं सबने को है कि नहीं हाँ हम खेलेंगे
खेलोगे की? हाँ कबड्डी राखरिया कहीं एकाधिक टीम उतार देसन असी तो कतरी टीम है 16 टीम नाम है क्यों जान दबान जान दे चलाई हो जाए 16 टीम आई गई एंट्री फीस जमाई गई बाकी अभी देख जे भारत माता की जय स्वर्गीय मदन सिंह जी चौहान जामली आज अपन जो कबड्डी खेलने वाले उनके उपलक्ष्य में रखी गई है उनकी जयंती के मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि कबड्डी शुभारंभ करने से पहले उनके पूजन और उनसे प्रार्थना भगवान ईश्वर से दुआ करेंगे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको शांति प्रदान करें और हमें नई ऊर्जा नए संचार का उपलब्धि ले जाए ऐसी शुभकामना हम पूरी कमेटी और माननीय स्वर्गीय चौहान जी के उपलक्ष्य में ये आयोजन रखा गया बोलिए भारत माता की जय। मैं दादा से निवेदन करूंगा कि अगरबत्ती लगाकर और नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ जल्दी ला जल्दी ओके बोले भारत माता की जय भारत माता की जय। भारत पैसा कौन बोलेगा कौन बोलेगा अच्छा आप पूछा आयोजन राष्ट्र विजेता जामली चॉइस कबड्डी सो मैच प्रारंभ होने वाला है अभी जिसमें कि शिव क्लब जामली और बजरंग क्लब टांडा सो मैच की विजेता बजरंग क्लब टांडा है ना 551 का ही नाम अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। अब मेन खेल अभी चालू होने वाला है रेड फॉर्म कर दिए लागू है दूध आयरन को छोड़ करके सुपर टेकल ऑन रहेगा। सुपर टेकल का मतलब होता है कि कोई भी खिलाड़ी 6 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी क्षमा करें 7 कोई बोनस लेता है बोनस मान्य रहेगा अगर 3 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी रहेंगे और कोई बोनस पकड़ा जाता है एंड सामने वाली टीम को मिला।